Hello everyone, let's start a new chapter, that is chapter 3 of the Lakshmikant's Indian Polity, that is salient features of the constitution. We will discuss its features one by one. First point, lengthiest written constitution. Basically, aapko bataya jo constitution hai, wo do tarah se classified hai, ek written aur ek unwritten. In written comes the American constitution and in unwritten comes the British constitution. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. और ये क्या है, जितने भी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, उसमें सबसे लंबा है. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एलैबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. इन 1949 जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल्स थे. लेकिन प्रेजेंटली क्या है, यहाँ पे एक प्रीएम्बल है, 465 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल्स हैं. बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए 1951 से, जिसमें कुछ आर्टिकल्स डिलीट हुए, कुछ ऐड हुए, ठीक है. तो वेरियस अमेंडमेंट्स कैरिड आउट सिंस 1951 हैव डिलीटेड अबाउट 20 आर्टिकल्स एंड वन पार्ट, दैट इज 7, एंड एडेड अबाउट 85 आर्टिकल्स, 4 पार्ट्स, 4A, 9A, 9B एंड 14th A, एंड 4 शेड्यूल्स 9, 10, 11 एंड 12. नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज सो मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द एलिफेंटाइन साइज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल डिस्कस दैम. दीज आर फर्स्ट geographical factors, that is the vastness of the country and its diversity. अब इसमें factors बताए जा रहे हैं कि किन factors की वजह से हमारा constitution इतना बड़ा है. पहला factor क्या है, geographical factor. geographical factor में क्या है कि हमारी country की इतनी vastness है, इतनी diversity है, जिस वजह से हमारा constitution इतना बड़ा है. सेकेंड है historical factor, जैसा कि आप देख लीजिए government of India Act of 1935 का इतना influence है, क्योंकि वो इतना बल्कि था, इतना बड़ा था. ये एक historical factor है कि हमारा constitution इतना बड़ा है. थर्ड, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल स्टेट्स के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, बस आप जम्मू एंड कश्मीर को हटा दीजिए. फोर्थ, डोमिनेंस ऑफ लीगल यूनानीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. लीगल लैंग्वेज, मतलब लॉ की लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है. सेकेंड पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लार्ज एक्सटेंट डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. जो फिलोसफिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आते फंडामेंटल राइट्स होते हैं, डी पी एस पी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये कहाँ से डिराइव किए गए, फ्रॉम द अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. जो पोलिटिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पोलिटिकल पार्ट से क्या मतलब हमारा, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. ये ड्रॉन हुए हैं फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR विच इज़ नाउ नोन एज रशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन. नाउ व्हाट द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी विल सी एट अ ग्लांस. Sources: Government of India Act of 1935, features borrowed, Federal Scheme, Office of Governor, Emergency Provisions and Administrative Details, Judiciary, PSCs, that is Public Service Commissions, British Constitution, Cabinet System, Parliamentary Government, Rule of Law, Legislative Procedure, Single Citizenship, Prerogative Writs, Parliamentary Privileges and Bicameralism. Third, US Constitution. Features borrowed, fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, removal of Supreme Court and High Court judges and post of Vice President, impeachment of the President, Irish Constitution, DPSP, nomination of members to Rajya Sabha and method of election of President, Canadian Constitution, federation with a strong centre, vesting of presidiary powers in the centre, appointment of state governors by the centre and advisory jurisdiction of the Supreme Court. Australian Constitution, concurrent list, freedom of trade, commerce and intercourse and joint sitting of the two houses of parliament. Weimar Constitution of Germany, suspension of fundamental rights during emergency. Soviet Constitution, USSR which is now known as Russia, fundamental duties and the ideal of justice, social, economic and political in the preamble. French Constitution, republic and the ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble. South African Constitution, procedure for amendment of the Constitution and election of members of Rajya Sabha. Japanese Constitution, procedure established by law. So these were all the features which we have borrowed from the above sources. Now let's come to the third point, that is blend of rigidity and flexibility. That is, the Indian Constitution is neither flexible nor rigid. It means it can be amended by
Term Acts. Article 368 provides for two types of amendments. First, some provisions can be amended by a special majority of the parliament, that is a two-third majority of the members of each house present in voting, and a majority that is more than 50% of the total membership of each house. Second, some other provisions can be amended by a special majority of the parliament and with the ratification by half of the total states. At the same time, some provisions of the constitution can be amended by a simple majority of the parliament in the manner of ordinary legislative process. Notably, these amendments do not fall under Article 368. Now, here is an important point. Which amendments doesn't come under Article 368? The answer is those provisions of the constitution which can be amended by a simple majority of the parliament. Okay. Now, next point, federal system with a unitary bias. Features ke hai federation ke two government, division of powers, written constitution, supremacy of constitution, rigidity of constitution, independent judiciary and bicameralism. These all are the features of a federalism. Although I want to tell you that the word federation has nowhere been used in the constitution. Okay. Now, unitary or non-federal features: a strong center, single constitution, single citizenship, flexibility of constitution, integrated judiciary, appointment of state governor by the center, all India services, emergency provisions. Okay. Now, come to the Article 1. India as a union of states. India ko union of states bolte hain. Iska matlab do cheeze imply kar raha hai. Pehli cheez ki Indian federation jo hai wo koi matlab states ke agreement ka result nahi hai. और दूसरा कि किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से बाहर निकल जाए. ठीक है. नाउ अ फ्यू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन्स हैव नेम्ड सम दीस फॉर्म्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक केसी वेयर हैज सजेस्टेड दैट फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, दैट इज क्वासी फेडरल. मॉरिस जोन्स सेड दैट इट इज अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म. Granville Austin, cooperative federalism, and Ivor Jennings said that it is a federation with a centralizing tendency. Now, next point, parliamentary form of government. So, India's constitution has opted for British parliamentary system of government rather than American presidential system of government. The parliamentary system is based on the principle of cooperation and coordination between the legislative and executive organs, while the presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two organs. The parliamentary system is also known as the Westminster model of government, responsible government and cabinet government. The constitution establishes the parliamentary system not only at the center but also in the states. आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो सिर्फ सेंटर में नहीं लेकिन स्टेट्स में भी ये चीज़ अप्लाई करता है. फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के? पहले देखिए आप, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस रहती है. नॉमिनल में क्या आ गया, जैसे आपका प्रेसिडेंट, रियल प्राइम मिनिस्टर. सेकेंड, मेजॉरिटी पार्टी रूल. थर्ड, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेशन, नो डाउट इट इज करेक्ट. Fourth, membership of the ministers in the legislature. Fifth, leadership of the prime minister or the chief minister. And the last one, dissolution of the lower house, Lok Sabha or assembly. Now come to the next point, synthesis of parliamentary sovereignty and judiciary supremacy. Sovereignty of parliamentary, ye hamara the British parliament. Judicial supremacy mein aata hai the American Supreme Court. The Supreme Court can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review. It is a very important point, I should repeat it. The Supreme Court hai, uske paas ek power hoti hai ki wo kisi bhi parliamentary law ko unconstitutional declare kar sakta hai apne paas se. Theek hai. Aur wo jo power hoti hai Supreme Court ki, use hum bolte hain power of judicial review. The parliament can amend the major portion of the constitution through its constituent power. Next point, integrated and independent judiciary. Happy with the Supreme Court jo hota hai is at the top of the integrated judicial system in the country. Below it, uske niche aate hain hamare high courts jo ki state level pe hote hain. Fir uske niche high court niche aate hain subordinate courts. Subordinate courts se matlab ho gaya hamare district courts and other lower courts. This single system of courts enforces both the central laws as well as the state laws. Unlike in USA, where the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary. Now, various provisions to ensure its independence, security of tenure of the judges, fixed service conditions for the judges, all the expenses of the Supreme Court charged on the Consolidated Fund of India, prohibition on discussion on the conduct of judges in the legislatures, ban on practice after retirement, power to punish for its contempt vested in the Supreme Court, separation of the judiciary from the executive and so on.
come to the next point. It is an important point, that is fundamental rights. पार्ट थ्री जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो गारंटी करता है कि हर सिटीजन को, आई रिपीट टू ऑल द सिटीजन्स, हर सिटीजन्स को ये छह फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? पहला राइट टू इक्वालिटी, विच कम्स अंडर द आर्टिकल्स 14 to 18। सेकेंड राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 to 22। थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 to 30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32। नाउ व्हाट आर द बेनिफिशरीज ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स? दे आर यूज्ड फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, जस्टिशिएबल मीन्स एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। अगर आपके इन राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड जस्टिशिएबल। द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल्स 20 and 21। नाउ हियर इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं, जिससे कि हम चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन पॉलिटी बुक का, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये आपसे जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब तो आपसे छीन ले जाते हैं। लेकिन दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद भी आपसे नहीं छीने जाते हैं, दैट इज़ द आर्टिकल्स 20 and 21। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, नॉवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीवन नोस इट इज़ एनश्रेंड इन द पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम टॉकिंग अबाउट DPSP, ओके। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब एक चीज़ नोट करिए, अभी फंडामेंटल राइट्स थे वो प्रमोट करते थे आइडिया किसका? पोलिटिकल डेमोक्रेसी का। जबकि जो DPSP है वो प्रमोट करते हैं आइडिया किसका? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का, ओके। Now DPSP establish a welfare state in India and they are non-justiciable in nature. Non-justiciable means not enforceable by the courts for their violation. So in this video it is still here. In our next video of this chapter 3 only, we will discuss the remaining points. Okay, stay tuned. Thank you.